हाय फ्रेंड नमस्कार, मैं एनके जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं वशीकरण के ऊपर में। ऐसा एक फल है जिसको आप लोग पहचान सकते हैं। ये जो फल है, ये देखिए, आराम से देखिए। इस फल को अगर आप किसी को खिलाते हैं, ठीक है, तो इससे वशीकरण होगा फ्रेंड। तो इससे वशीकरण ऐसा होगा, इसको खिलाने का एक तरीका है, वो तरीका आपको जानना पड़ेगा। इस फल को आपको लेके आना पड़ेगा। देख रहे हैं, ये गोल ऐसा फल है ये, और इसको शनिवार को निमंत्रण देना पड़ेगा इसके पेड़ में जाके, ठीक है, कि मैं तुम्हें रविवार को लेने आऊंगा, ठीक है। पान का पत्ता लेना है, एक सुपारी लेना है, और अगरबत्ती दो लेना है। इस तरह का जो फल है, इसका जो पेड़ है, पेड़ का मैं वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। आप लोग देखें ये फल क्या चीज में होता है, कैसा होता है। इसका नाम गुरंडी इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसको निमंत्रण देके आना है और ये फल को तोड़ के लाना है, ठीक है। फल को तोड़ के लाएंगे फ्रेंड इसको, और इसको संडे के दिन में इसका पाउडर बनाना है, ठीक है। वशीकरण करने के लिए इसका पाउडर बनाना है फ्रेंड, और पाउडर बना करके इसे थोड़ा सा कोई मिठाई हो गया, रसगुल्ला वगैरह, छेना वगैरह, उसमें डाल के इसको खिलाना है। पहले तो इससे उल्टी होने की संभावना होती है। यदि उसे उल्टी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी हुआ उल्टी तो कोई बात नहीं है। और फ्रेंड इसको खिलाने के बाद 7-8 घंटे के बाद उसके ऊपर असर होता है, ठीक है। और जैसे ही इसका फल आप उसको खिलाते हैं, थोड़ा सा ही खिलाना, ज्यादा नहीं खिलाना, ज्यादा खिलाने से फिर उल्टी होने लगती है, ठीक है फ्रेंड। और यदि उल्टी हो जाए और इसमें नशा भी आ जाता थोड़ा, और इसमें विशेष बात यह है कि जैसे इसे खिलाते हैं तो थोड़ा सा उसको चक्कर टाइप का आएगा, और उसमें काम वासना जगाता है, ठीक है फ्रेंड। काम वासना जगाता है, और जिसने उसको खिलाया रहता है उसे याद रहता है कि मैं अभी किसी के हाथ से मिठाई खाया था, जिसके वजह से परिणाम स्वरूप मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, और अंदर से काम वासना जगाने लगता है उसको, ठीक है फ्रेंड। और फिर उसी व्यक्ति को वो ढूंढने लगती है। तो ये है फल, वो इसके अंदर में वो बीज होता है, व्हाइट कलर का निकलता है वो बीज। और इसके बाद खिलाने के बाद उसको फिर उसके पास नहीं आना है। यदि आप उसे खिला दिए तो फिर उसके पास आपको नहीं जाना है, वो आपको ढूंढेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, शायद ये मुझे ढूंढ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो आभास हो जाएगा आपको कि ये मुझे ढूंढ रही है, और किसी से पूछेगी कि क्या आपने उसे देखा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मुझे ढूंढ रही है, और फिर उसे उसके पास आप जा सकते हैं बाद में, या नहीं तो वो खुद आपके पास में आ जाएगी ढूंढते ढूंढते आपको। तो ये वशीकरण जो है शनिवार के दिन में आपको इसको यूज करना है। तो इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, ठीक है। इसके इस पेड़ को आपको पहचानना है। इस पेड़ को पहचानने के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जो है पेड़ जो होता है उसका मैं वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा, ठीक है फ्रेंड। चाहिए तो मैं इसका वीडियो फिर आप लोगों को डालेंगे, और इसका नाम गुरंडी इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है, मैंने आपको बताया था।
धन्यवाद फ्रेंड।